नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 13 Pro 5G versus Motorola Edge 50 Fusion 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 13 Pro में 6.35 इंच जबकि 50 Fusion में 6.38 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 13 Pro में 2.91 इंच जबकि 50 Fusion में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 13 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो 13 Pro में 0.32 इंच जबकि 50 Fusion में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 13 Pro में 188 ग्राम जबकि 50 Fusion में 175 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 13 Pro में OLED जबकि 50 Fusion में POLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 13 Pro में 20:9:9 जबकि 50 Fusion में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 13 Pro में 6.7 इंचेस जबकि 50 Fusion में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 13 Pro में 1080x2412px FHD+ और 50 Fusion में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 13 Pro में 90.89% जबकि 50 Fusion में 90.7% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 13 Pro में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 50 Fusion में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 13 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 50 Fusion की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 13 Pro में 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 50 Fusion की बात करें तो उसमें 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 13 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और 50 Fusion में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 4 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 710 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 ऑप्शन देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB 12GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 13 Pro में 3 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB, 512GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 50 Fusion में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी 13 Pro में 5200 mAh जबकि 50 Fusion में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 13 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹26,999, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹28,999
12 गीगाबाइट रैम 512 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 31,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 50 फ्यूजन की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 27,900 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme 13 Pro 5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Motorola H50 Fusion 5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Vivo S19 Pro 5G है, तीसरा Poco F6 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Honor 200 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।